सभी सैकड़ों भाई बहनों में हाजू विनती करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा एक लोन था पहले 1,00,000 रुपये, मैं ख़त्म कर दिए था। मेरे सतबीर 2017 में आए थे घर पे, जो काफ़ी पैसे मैं भर दिए। 2017 में सतबीर हमारे आए थे, यूनियन बैंक के लोन वाला मैनेजर थे, लोन देते थे और तासी बदलपुर जिले जौनपुर। तो वो आए थे तो बोले 2017 में छूट हुई थी, बताएंगे जो थोड़ा बहुत तुम्हारा बचा है हमें दे दो। हमसे कितना बचा हुआ है? कह रहे 8,500 रुपये। तो 2017 में आए टेम्पू लेकर पर्चा करने, मैं गया हमारे पिताजी बैंक में दिया और एक नीले पासबुक था, उसमें लिख दिया तुम्हारा चुकता हो गया, आप से लोन तुम्हें नहीं भरना है। तो मैं क्या इसके नोट दो कराए, अभी भीड़ भाड़ चली, आके ले जाना बाद में। तो मैं कई बार गया तो भाई हमें मिला नहीं, तो मैं पिताजी बोला जाके ले लेना, पिताजी भी नहीं पाए। मैं दिल्ली चला गया और गाजीबाग चला गया कमाने। तो 2 साल बाद मई तिवारी बैंक में गया तो बोला, मेरे पास फोन लगा, बजाएंगी सरोज तुम्हारा लोन ख़त्म नहीं हुआ, नया मैनेजर आया है ज्ञानचंद, तुम जल्दी चले जाओ ना कुर्की धमकी हो जाएगा। हम कहे हाँ, अभी तो मैं तो भरा था सभी हमारे सब ख़त्म कर दिए थे, बस नोटबुक नहीं दिए थे, घर पे नहीं पहुँचाया मेरा नोटबुक, केवल पास भी नहीं दिए थे विभाग के। तो कह नहीं वो सब ख़त्म ही नहीं हुआ है इसमें। तो मैं यही घर बनवाने के लिए गया था, कोई आवास दे नहीं रहा प्रधान। 49,000 रुपये मैं कमाया था, आया मैं घर तो मैं कहा पहले हमें पुराना मस्जिद मिलवाओ। कह रहा है पुराना मस्जिद सतवीर यहाँ नहीं है, वो बाहर कमा रहा है, यहाँ नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। प्रधान ललित तिवारी भी कहे और ज्ञान चंद मैनेजर, कह जल्दी ले आओ ख़त्म करो 86,000, तुम्हें बड़ा लोन दिलवाता हूँ, 5,00,000 2,00,000 छूट मिलेगा गरीब के। तो भाई हम कह चलो ठीक है, जब अब गरीब लोग थे भाई, तब मैं आया 49,000 जो घर बनाने के लिए कमात हो, 20,000 कर्ज लिया दिनेश लोहार के यहाँ समूह, और उसके बाद 6,500 गहना रखा हूँ घर जो गहना रखा हुआ था सूत पे सुबह सुनार के यहाँ, और पिताजी 10,000 रुपये लिया था और 500 फिर घर पड़ा हुआ था, वो मिला 86,000 रुपये। मैंने बोले जल्दी से लेके आओ प्रधान मैनेजर, तो मैंने तो इकट्ठा करके तब मैं पिताजी जा रहे थे, तो जब इकट्ठा हो गया तो हमारे पिताजी जा ही रहे, माँ मेरी थी पुल पर जा ही रहे थे, जिधर प्रधान साहिब संजो जा रहा था अकेला था, चार चक्का गाड़ी थी, ऑल्टो गाड़ी थी उसकी, वो उज्जर कर रही गाड़ी, वो अकेले था, हम जा रहे थे, हम पिताजी माँ पैसे देने बैंक पे। वो कह रहा कहाँ जा रहे हो? उनके आप ही लोग तो बताए थे कि बैंक में तुम्हारा काम हो रहा है भाई, तुम्हारा लोन नहीं ख़त्म हुआ है, तुम्हें बड़ा लोन दिलवा रहा हूँ, 86,000 रुपये मैंने ले बैंक मैनेजर के पास लेके जा रहा हूँ। कह रहे ले आओ ले आओ, मैं तो तुम्हारे काम के लिए दौड़ रहा हूँ, ललित तिवारी प्रधान बोले। तो पुल पे था तब 86,000 रुपये लिए गिनिया, कह रहे जाओ बस अब तुम जल्दी से अपना दुकान मतलब गैरेज खोलो, मैं तुम्हारा जल्दी से काम कराता हूँ, 5,00,000 रुपये 2,00,000 छूट मिलेगा। मैं पिताजी मैं तो वापस कर दिए, वहीं घर चले आए। तो गया वहाँ काम करवाने लगा, 5,00,000 से नहीं उठा और 2,00,000 उठा केवल, और 1,50,000 उठा, 5,00,000 वहाँ फार्म भरा गैरेज पे और उठा 1,50,000। वो भी दौड़ते दौड़ते जा तब जाके 20,000 खाते में आया, कहा लड़की उड़की शादी में डबल टिबल होता रहेगा, वो डबल टिबल नहीं हुआ, 1-2 महीने बाद वो भी निकल गया। फिर 50,000 रुपया ललित खाता में गया है, ललित प्रधान खाता में, उसका दोस्त हुआ शंकर उसके खाते में गया है 1,00,000 रुपये। और बैंक मैनेजर ज्ञानचंद मैनेजर और ललित तिवारी प्रधान और उमा शंकर, ये तीनों मिल के हमारा सब पैसे हड़प लिए हैं, 20,000 भी निकाल लिए 1 महीने के बाद, डबल टिबल हुआ नहीं है, ये भी निकाल लिए कि लोग कर दिए हमसे निकल नहीं रहा, ये भी डबल टिबल करके ये लोग निकाल लिए कि ये नहीं निखरेगा, ये लड़की से डबल टिबल होगा, ये भी निकाल लिए। तब जाके मैंने हर जगह दरख्वास्त वरख्वास्त दिए, तब जाके मेरा सब कुछ एक कामयाबी मिला है। तब जाके 2019 बीत गया, 20 बीत गया, 21 बीत गया, जब 22 चल रहा है तब जाके कामयाबी हुआ है कि अब ये लोग जेल जाएंगे और उसके बाद इसका भरपाई भरना पड़ेगा सूद सहित। देखिए दोस्तों 1,50,000 ललित खाते में गया है और उसका दोस्त है 1,00,000 गया है, और यही 20,000 रुपये बोले थे लड़की शादी में डबल टिबल हो जाएगा, हाँ ये 20,000 डबल टिबल हो जाएगी, डबल टिबल ये नहीं हुआ, हाँ ये लोग 420 करके हम गरीबों को लूट लिए हैं। प्रधान था, प्रधान मान लो भगवान होता है, हर गरीबों को सेवा करता है, मैं प्रधान समझ के चला आया, फूल फूल लगाया था, आओ तुम्हें कारोबार करा देता हूँ, गरीब दुकान खोलो अपना कमाओ धमाओ, आवाज़ भी आया, आवाज़ भी नहीं दिए। देखिए मैं तो दिखा नहीं थी वीडियो में, हम गरीबों के आवाज़ भी नहीं दिए प्रधान, जिसका 4 तल्ला बिल्डिंग है, 2 तल्ला 1 तल्ला उसके 4-4 आवाज़ है घर में, 6-6 आवाज़ दे रहा है ललित तिवारी प्रधान, हाँ हम लोग को 400 करके हम गरीबों को लूट लिया, ये भी पैसे नहीं दिए। तब जाके मैं आया, जब जाँच उच कराने शुरू करा, दौड़ धूप आया, तब सतबीर भी पकड़ कर आया, सतबीर करा इसका लोन मैं पहले ख़त्म कर दिया था, और देखिए उसका रिकॉर्डिंग है, चालू करो रिकॉर्डिंग भैया, चालू करो जरा।
सतवीर बयान जी नोट बुक नहीं दिया था और जो डॉक्यूमेंट था नीले वाले पे पासबुक लिख दिए मैं चुकता हो गया है। जो नया लोन बन रहा था 5 लाख वाला जो लगी तिवारी जान से नहीं बोले थे उठाने के, हमारा जितना डॉक्यूमेंट था पहले मांग लिए, अरे ये इसमें ख़त्म ही नहीं हुआ है और उसमें ख़त्म हुआ था 40 बजे करके लोग कह रहे नहीं तुम्हारा नोट बुक मांग रहे थे। हम कहे भाई अब नहीं दिए तस्वीर में ढूंढ रहा था, अरे बाहर आप लोग बताए गए हैं। अब ये लोग 40 बजे करके हमारा 86,000 रुपये लिए और जितना लोन 1.5 लाख उठा था वो भी हड़प लिए हैं। मैं सभी सरकार को विनती हाथों विनती करता हूँ और मैं मोदी जी को विनती करता हूँ और योगी जी को और मायावती को, अखिलेश भैया को, राहुल भैया को, केजरीवाल, ममता, मैं सभी विनती करता हूँ ऐसे दलालों के 40 BC वाले जल्द जेल होना चाहिए और हमारा पूरा सूद सहित चाहिए। जितना मैं 86,000 रुपये दिया हूँ, मेरा पहले चुकता था, बयान किया था, अभी तुम्हारा सतवीर ने बयान किया था, मेरा लोन ख़त्म हो था पहले ही से, तो ये लोग जबरदस्ती हमसे 86,000 रुपये लिए हैं। हमें 86,000 रुपये भी चाहिए, उसका सूद सहित चाहिए, चक्री ब्याज और हमारा जितना कागज पत्र लगा हुआ है 3 साल में उसका भी चाहिए पैसे, और प्लस हमारा 3 साल कमाई, मैं 3 साल में घर पर दुआ कुछ नहीं बनवा पाया, 3 साल कमाई चाहिए, 3 साल में 6 साल चाहिए, 6 साल चाहिए क्योंकि हम गरीब लोग बहुत तबाह लोग करे हैं और इतना पूरा 4 BC वाले को लोन पैसे पूरा हमें चाहिए और लोन ये लोग भरेंगे नहीं तिवारी ज्ञानचंद मंजर उमा शंकर। मैं हाथ जोड़ विनती करता हूँ कि ये ऐसे दलालों को गांव में नहीं रहना चाहिए, जल्द जेल सलाखों के पीछे रहना चाहिए क्योंकि हमारा हिंदुस्तान ऐसे दलाल रहेंगे तो हमारा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा और हमारे गरीब बहुत गरीब पड़े हैं, बहुत गरीब तबाह हो जाएंगे। हम भगवान समझ के आए थे कि हमारे प्रधान भगवान है, चलो अच्छा काम कर रहे हैं और भगवान नहीं तो कसाई निखर रहा है हमारे ललित तिवारी प्रधान।